हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ आपको सीक्वेंस एंड सीरीज दे रखी है जो 1 से तो स्टार्ट होती हैं और 10 पर, 100, 1000, 10,000, 1 लाख पर खत्म होती हैं। ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको 1 से स्टार्ट होता है नंबर और 10 तक जाता है, तो इसमें क्या करना है आपको, लास्ट प्लेस का हाफ करना है और 2 बार लिखना है। लास्ट प्लेस का आपको हाफ करना है और 2 बार लिखना है, सिंपल 55। वंस अगेन, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, 1 से स्टार्ट होता है नंबर हमारा और 100 पर खत्म होता है, तो ऐसी सीरीज का सम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम क्राइटेरिया जो पहला आपने काम करा था वही इसमें भी करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। मींस 100 का हाफ करना है, 50 रहेगा और वंस अगेन 50 ही रहेगा। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेकर के 1000 सिंपल रख देंगे, 500 और 500, क्योंकि 1000 का हाफ कितना होता है, 500। नेक्स्ट आपका 10,000 है तो 10,000 का हाफ हो जाएगा 5,000 और वंस अगेन 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा हमारा, ये हमारा 50,000 हो जाएगा क्योंकि ये 1 लाख का हाफ कितना होता है आपका, 50,000 होता है। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सीरीज क्या है हमारी, कुछ इस तरह की सीरीज है जो हमारी बीच में से उठा करके रख दी गई है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहेंगी कि कितनी आपकी टर्म्स होंगी, इसमें कितनी भी हो सकती है, 14, 15, 16, 50, 60, 70, 29, 38, 72 एंड ऑल दैट, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा रूल है, यहां पर जो आपके लिए कंडीशन रहेगी वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पर सारा का सारा डिपेंड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टर्म आपकी 7 है और लास्ट टर्म आपकी 33 है, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म को पहले तो ऐड कर देंगे और उसी के साथ मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म को लेकर के फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे और अपने पास से 1 को ऐड कर देंगे। मैंने क्या बोला, लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन लेकर के लास्ट टर्म में से 7 को, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और 1 को अपने पास से ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 2। 33 प्लस 7 कितना होता है, 40 होता है, तो यहां पर आपका 40 आ जाएगा। 33 में से 7 गया तो कितना बचा, 26 में आपने 1 ऐड किया तो कितना हुआ, 27 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 20 × 27 जो कि आपका हो जाएगा 540। इट्स प्लेन एंड सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्राइटेरिया, वंस अगेन 94 + 36 एंड 94 − 36 + 1। 94 + 36 इट विल बिकम 130 × 94 − 36 हो जाएगा हमारा 59। ये हमारा हो जाएगा 59 अपॉन 2 आ जाएगा, तो इसमें भी कितना आ जाएगा आपका 65 × 59। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 65 59 आ जाएगा हमारा, 5 9 = 45 कैरी आपका 4, 5 5 = 25 और 4 29 का 29, 6 9 = 54 का 4 कैरी आपका 5, 6 5 = 30 और 5 35, 5 9 + 4 = 13 का 3 कैरी 1, 8 और 3 ये हो जाएगा हमारा 3835। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 और 86, तो यहां पर भी क्या करना है, 86 के साथ में 74 को ऐड करना है और 86 के साथ में 74 को माइनस करना है और अपने पास से 1 को ऐड करके डिनोमिनेटर में 2 ले लेना है। 86 और 74 हो जाएगा हमारा 160 × 86 में से 74 जाता है तो कितना बचेगा, 12 + 1 = 13 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 80 × 13 तो ये हो जाएगा हमारा 104 और 0। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 और 47, तो यहां पर भी हमें सेम चीज करनी है, 47 + 23 and 47 − 23 + 1 upon 2, 47 और 23 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, into 47 minus 23,
24 और 1 25 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 35 इंटू 25 25 5 25 5 125 का 5 कैरी आपका 2 12 25 3 75 और 12 87, तो ये हो जाएगा हमारा 875। लास्ट के जो दो क्वेश्चन है वो आपको फ्रेंड्स क्वेश्चंस को करना है और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है।